अभी हम पहुंच चुके हैं मसरख का यह धर्मासती गंडामन बाजार है और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। लोगों की भीड़ जुट रही है। लोगों का दावा है कि यहाँ पर नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। अब क्या कुछ सच्चाई है यह तो आपको पता ही है। इस नीम के पेड़ से हालांकि दूध नहीं निकलता है बल्कि, और जो नीम के पेड़ से जो जिसको लोग दूध कह रहे हैं, जो ताड़ी निकलता है, वह जब किसी को चर्म रोग होती है उस पर वह काम करती है और उस व्यक्ति को जो चर्म रोग होती है उससे वह छुटकारा पा सकता है। और यह बहुत ही बेशकीमती है, बहुत ही महंगा यह बिकता है। बातचीत करेंगे यहाँ पर कई लोग हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, क्या है निकल रहा है अभी सामने, क्या निकल रहा है, दूध निकल रहा है, दूध निकल रहा है, पिए हैं, पिए तो नहीं है अभी, कैसा लगता है अभी तो पिए तो नहीं है, पिए नहीं, नहीं खाली देखे हैं, अभी कैसे, कब पता चला, सुबह में पता चला, सुबह पता चला, सुबह पता चला तो अभी आ रहे हैं देखने, अच्छा इसके पहले के पेड़ से दूध निकल रहा है। क्या कुछ सच्चाई है वह तो हम आपको बता दिए, लेकिन जो दावा है इन लोगों की दावा है कि उसके बाद ही यह पूजा पाठ शुरू लोग किए हुए हैं। इन लोगों का दावा है कि आपसे दूध निकल रहा है। और कई लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे, यह व्यक्ति बुजुर्ग है, इनसे पड़ताल करेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ इनको जानकारी मिली, क्या कब से गिर रहा है। देखिए सवेरे सुबह 6:30 बजे हमको मालूम हुआ, ठीक है, कि 6:30 बजे नीम के गाय से दूध निकल रहा है, लेकिन फिर हम आए नहीं। सब लोग आकर के जुटे यहाँ, रेडियो फेडियो या गाना बना जो भी हुआ, देवी का गीत उन्होंने बजाए। बजाने के बाद बहुत से लेडीज लोग आकर के इनको पूजा पाठ किए, ये जो आपको गाछ में बांधा हुआ है वो लोग बांधे, बांध ओन करके चले गए। लेकिन अभी मालूम हुआ कि आप लोग आए हैं, तो अब वहाँ से हम आए भाई तो उनसे बात करना। अच्छा ये बात बताइए कि ये कितने बजे सुबह से गिर रहा है, मैंने हमको जो मालूम हुआ 6:30 बजे 6:30 बजे से। इतना सारा पुराना यह पेड़ है, पुराना मान के चलिए ना कि 10-15 साल हुआ होगा। क्या आज यह दूध गिर रहा है, पहले से पूजा होती थी या आज से पूजा हो रही है? पहले से पूजा ही नहीं होती, मतलब है जो यह दूध गिरने का जो दवा है उसके बाद यहाँ पर पूजा किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पूजा। एक बार अपना नाम बता दीजिए। रामनाथ राय। इसके पहले यहाँ पर एक जगह है, वहाँ से भी ऐसा दावा किया गया था दूध गिर रहा है जी, यह यहाँ से कोई दावा नहीं था, यही मसरख का ही एक जगह है, जजौली में दावा किया गया था। तो देख सकते हैं यह बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनका दावा है कि यहाँ पर दूध गिर रहा है। कई लोग देख सकते हैं, तमाम लोग की यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। कैमरा मैन दिखा दीजिए सभी लोगों को, तमाम लोग की यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोगों का दावा है कि यह दूध है। अब क्या कुछ सच्चाई है बताने की आवश्यकता नहीं है, वह वैज्ञानिक कारण है और उस कारण से यह निकल रहा है, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका दावा है कि यह दूध है। कब से आप देख रहे हैं? मैं तो अभी आया। ये जानकारी इसके बारे में कब से हुआ आपको? इधर से आ रहा था, देखा जो कुछ लोग खड़े हैं। अच्छा, कर रहे हैं। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर है? तो 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर क्या कुछ आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर आगे गाँव के लोग बोले ऐसा कि जो है पीपल के पेड़ से जो है दूध निकल रहा है। पीपल का पेड़? सॉरी, नीम का पेड़ है। अच्छा, ये मतलब पूरा जानकारी नहीं था कि 10-5 मिनट होगा। अच्छा, तो उसके बाद अभी आए हुए हैं? हम लोग को देखे तो आए हुए हैं, वही ना भीड़ लगा हुआ था। क्या ये दूध गिरना सच्चाई है या गलत? नीम के पेड़ से दूध गिरता है? ये तो मैंने कभी सुना नहीं, नहीं सुना है। देख सकते हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विकास कुमार, घर बनाएंगे। देख सकते हैं इनसे बातचीत किए, विकास कुमार सिंह थे। इनका दावा है कि हम आज तक सुने ही नहीं है कि कहीं पर दूध भी गिरता है, लेकिन बुजुर्ग लोगों से खासकर हम बात करने का प्रयास करेंगे, इनको क्या जानकारी है, इनको जानकारी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं 6 बजे का करीब में देखा है, 6 बजे करीब में दूध गिरत रहा, दूध गिरत रहा। अच्छा, पीने की ना? ना, ये जन लेके पीले, जजौली पिए थे। जजौलिया पिए थे? हाँ। यहाँ पर क्यों नहीं पिए? अच्छा, पास में घर है तो आप बाद में देखे, जजौली दूर है तो वहाँ पर पहले देखे। अच्छा, यहाँ पर हल्ला शोर वगैरह नहीं हुआ? तो आप नहीं आए? नहीं। ये दूध है कि ताड़ी है?
अच्छा आप आज तक आप अपने भविष्य में आपके एज कितना हुआ? आपका एज ही नहीं मालूम है आपको? तो कुछ भी अंजाद तो होगा। 60-65 साल में आज तक देखे कि नीम के पेड़ से ऐसा होता है? ना, कभी नहीं देखा। आप नहीं देखे? देख सकते। नाम क्या है? राम रतन शर्मा थे। इनका कहना है कि 60 वर्ष की उम्र हो गया लेकिन आज तक यह ऐसा पेड़ से गिरता हुआ दूध नहीं देखे। हालांकि जो पेड़ से गिरता है उसको तारी बोला जाता है। चर्म रोग में विशेष तौर पर ज़्यादा वह काम करता है, लेकिन लोगों की जानकारी है कि यह दूध गिर रहा है यहाँ से। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग काफ़ी लोग सुबह में महिलाएं आई थी, यहाँ पर पूजा पाठ की हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये सब बांधी हुई हैं, पूजा पाठ करी है, रोली चंदन वगैरह फूल वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो देख सकते हैं सीधे तौर पर। हालांकि और कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। बुजुर्ग भी आ रहे हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं? अरे हम तो अभी आ रहे हैं। अच्छा, अभी कहाँ से आ रहे हैं? बाली मिशन पीड़ा से। अच्छा, क्या ये जो दावा है दूध गिरा सही है कि गलत? ये सही है ना, तो गलत कहाँ से है? दूध गिरता है नीम के पेड़? हाँ, अभी आप दिखाइए ना उसमें दूध है कि नहीं। अच्छा, कितना बार आप देखे हैं कि दूध गिरता हुआ? अभी अभी तो आप प्रथम। अच्छा, आपका एज कितना हुआ? आपका एज कितना हुआ? एज कितना? 70 हो गया। 70 साल में आज तक देखे हैं कि नीम के पेड़ से दूध गिरता हूँ? नहीं देखे। अभी जजौली में हुआ था कि नहीं? हुआ था, नहीं गए देखने, यहीं पर आए। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा, ये आज तक नहीं देखे हैं आप? लेकिन हम आपको बता दें कि यह तारी होती है, न कि पेड़ नीम के पेड़ से दूध गिरता है। और जो पेड़ होती है, वैज्ञानिक कारण है, जो पेड़ होती है, जो 20 साल 10 साल पुराना पेड़ होता है उससे ऐसा दूध गिरने लगता है। कुछ दिन बाद पेड़ सूख जाता है, कुछ दिन बाद यह पेड़ सूख जाएगा। तो और लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, गीत गान वगैरह बच रहा है, साउंड बॉक्स भी लगा दिए हैं, बात बजा रहे हैं लोग। अच्छा, कब से कब रहे? सुबह से आज दिखाई दे रहा है। अच्छा, आज दिखाई दे रहा है जी। अच्छा, तो ये दूध गिर रहा है? दिखाई दे रहा है, दूध गिर रहा है। दूध पी रहे हैं? हाँ पिए हैं। कैसा लगा? कड़वा नहीं लगा? कड़वा भी लगता है? थोड़ा सा कड़वा लगता है, दूध जैसा लगेगा, लगता है ना। अच्छा, ये जब से गिर रहा है तब से पूजा हो रहा है कि उसके बाद पूजा हो रहा है? पहले पूजा नहीं हो रहा था, अभी से हो रहा है। अच्छा, अभी से हो रहा है? अभी से हो रहा है। अच्छा, आज तक अपने लाइफ में ऐसा आप देखे हैं? कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं देखे? कभी नहीं देखे हैं। जो जौली में गए थे? ना, नहीं गए, सुने गए थे। सुने थे? तो देख सकते हैं, यहाँ पर हम कई लोगों से बातचीत किए, एक और बुजुर्ग है उनसे भी बातचीत करेंगे। कब से देख रहे हैं? आज तो सुबह से देखा गया है। अच्छा, सुबह से देख रहे हैं आप? यहाँ पर जब गिर रहा है दूध तब से पूजा हो रहा है कि पहले से? नहीं, जब से गिर रहा है तब से, उसके बाद से पूजा। आज तक अपने लाइफ में आपका एज कितना हुआ? क्या अपने लाइफ में आज तक देखे आप ऐसा? ऐसे तो जजौली में ऐसे 1 महीना 20 दिन पहले, मतलब कि यही चीज वहाँ हुआ था। अच्छा, उसके पहले नहीं देखे थे? हालांकि आपको पता है कि जो पेड़ पुराना होता है उससे तारी जैसा यह रासायनिक निकलता है, जो चर्म रोग होता है ना उसमें बहुत काम आता है, बहुत महंगा ये बिकता है मार्केट में, पता है आपको? पता है इसके बारे में? तो आप कह रहे हैं दूध गिरता है? हाँ, तो वही उसको दूधेन आदमी कहेगा। आज से कुछ जमाना पहले या 80 या 85 में नंदी भौजी के इनार में भी ऐसी बात हुआ था, जो कि पेड़ वो ज्यादा दिन चलता है जिससे दूध गिरने लगता है, जल्दी सूख जाता है। तो हम अभी यहाँ की जो सच्चाई है वो आप लोगों को दिखाए। तो देखते रहिए हमारे चैनल के साथ। गंडामन से गगन पांडे की रिपोर्ट। आई बोलते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? बोला कुछ अच्छा, ये क्या दिक्कत है आपको? क्या परेशानी? देख रहे हैं कि दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध गिर रहा है, वही बोल देना है। पैसा लग रहा है? देख रहे हैं, अब देख ले रहे हैं, दूध है ना? क्या देख रहे हैं? ये नहीं है, ट्राई करना चाहिए आपको। अभी तो हम आते हैं, अभी आए हैं तो पी के ट्राई करेंगे, पढ़ेंगे। पी के ट्राई कीजिए, कैसा लग रहा है?
देख सकते हैं अभी पी लिए, कैसा लगा? तीत लग रहा है, तीत लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा? मीठा भी लगता है, तीत लग रहा है, मीठा भी लगता है। हाँ मीठा लगता है, पहले तो तीता लगता है, मीठा लगता है। आपका घर कहाँ है? बिशनपुरा। कब से देख रहे हैं? अभी हमारा, अभी अभी आपकी जानकारी कब? अभी हुआ है तो अभी हमारा। दौड़े दौड़े भागे की देखे देखे, अभी देख रहा है, अभी आ रहे हैं। आप कब आए? जो होता है उसमें तो लोग बोलते हैं तारी भी निकलता है, लाता भी निकलता है। अच्छा ना, ये क्या दूध की तारी है? नहीं दूध नहीं, दूध नहीं ना। तो टेस्ट कर लिए, तो ये आप पी के ट्राई मारे? नहीं नहीं, 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 हम है ना जाए। अच्छा ये आप देखे कि नहीं आते भविष्य में? नहीं अभी तो नहीं देखा। आप नहीं देखे? आपको जानकारी है कि यह पेड़ ज्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है? ऐसा होता है तो देख सकते हैं पेड़ सूख गया, सूख गया। मैं सूखा कि नहीं? सूख जाएगा, अभी तो गिर रहा है कि नहीं? अभी तो हम गए नहीं है ना, तो देखे हम बात के लेडीज है कि उससे बात करेंगे। हटाइए ना, कौन सा हम पास। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर दूध कब से गिरा है? सुबह से। देखे नहीं है? घर कहाँ है? यही क्या घर है, देखी नहीं है? आप कह रहे हैं लोग कि यहाँ पर दवा है, लोग का दूध गिर रहा है, और लोग कह रहे हैं कि कई महिलाएं पूजा करके चल रही है। आप पासे में है, पूजा भी नहीं? सच अभी कौन, अभी के जमाने में कितने लोग सच बोल रहे हैं? देखिए इनसे मिलिए आप, इनके जैसा दुनिया में कोई है नहीं सच बोलने वाला, या सच बोलते हैं। यहाँ पर लोगों का दावा है कि दूध निकल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है दूध निकल रहा है और सुबह से निकल भी रहा है, लेकिन हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये जो है इसको आसपास के नमी के वजह से निकलता है, और ये एक सीजनल में निकलता है, सीजनल टाइम में। जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे सारा का सारा बरसात का टाइम है और अच्छा खासा नमी है, जिसके कारण ये हो रहा है, यहाँ तक हम मानते हैं। और लोगों का अंधविश्वास कहिए या आस्था कहिए या प्रेम कहिए, जिसके वजह से ये लोग पूजा पाठ सारा चीज़ किए हैं और हमारा गान बान भी हुआ है। हाँ गान बान पूजा पाठ सारा कुछ हुआ है, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी माताएं बहनें सारे लोग की हैं, तो की हैं, उनका हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग शुरू से करते आ रहे हैं, पूरा समाज करते आ रहा है, तो इसका भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है। और ये दूध और तारी ये सब कुछ नहीं होता, एक पेड़ है और एक खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ उसमें भी नीम है, जिसके पास बहुत सारा चीज़ मतलब लाभदायक होता है, और ये भी निकल रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ उपयोग हमारे शरीर में होगा। जैसे हम जहाँ इसका उपयोग होता है चर्म रोग में, दाद खुजली ये सब में होता है जहाँ तक हम जानते हैं, तो ये उस हिसाब से तो हम बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों के हिसाब से आप देख ही चुके हैं, तो ये हम मानते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ये नमी के कारण होता है। एक बार अपना परिचय दे। हम ऋषुराज मिश्रा, धर्मासत्य मसरत।